Yes, students, assalamu alaikum. I'm your maths teacher. So today we will study from countdown book 3. So page number is 18. So we will see the comparing of 4 and 5 digit numbers. So this is example given here. 4 digit numbers, as you know, that starts from 1s, 10s, 100 and 1000 tak jate hain, right? So isme hum concept padhenge 4 और 5 डिजिट के दरमियान स्मॉलर और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट जो है. दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रेटर, दिस वन साइन ऑफ ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर, साइन ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर देन, राइट. सो हियर यू कैन सी 1625 इज़ ग्रेटर देन 162. तो इसको हम ऐसे जो सिंबल है सिंबल के साथ लिखेंगे, ग्रेटर का साइन इस जगह पे ये डाल देंगे हम, राइट. सिमिलरली 2750 इज़ लेस देन 4750. तो ये लेस देन का साइन, ये लेस है, लेस की जगह पे हम ये साइन डाल देंगे, राइट. सो इसी तरह से 9562, इसमें देखें 1000 प्लेस जो है 9000 प्लेस 9 की, दैट इज़ इक्वल. अब देखना है कि फ़र्क कहाँ पे है. यहाँ पे आगे 9562 है, यहाँ पे 9300 और 500 का फ़र्क है. तो 5 इज़ ग्रेटर, 5 ग्रेटर दैन 2. सो हम ये वाला नंबर जो आपका जो 500 वाला वो ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर का साइन हम डाल दें. सिमिलरली इसमें लेस देन का जो साइन है 14369, यहाँ पे देखें जो यूनिट 10000, ठीक है. तो 1s जो है वो इक्वल प्लेस पे है और यहाँ पे फ़र्क कहाँ पे है आपका जाके 5 और 6 का है, 10s प्लेस पे फ़र्क है. यहाँ पर 143 इक्वल है और 5 और 6 का फ़र्क है, तो 6 जो है वो ग्रेटर है, तो इसलिए ये वाला जो 14359 विल बी स्मॉलर, लेस देन का साइन मिल जाए. सो वी मूव टू पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 पे देखें ये सारा कॉन्सेप्ट वही दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं 4 डिजिट नंबर्स और उनको लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ शो किया गया. ये सारा मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, यू कैन डू इट योरसेल्फ. और ये उनकी प्लेस वैल्यू बताई गई है कि कौन सा नंबर कौन जो है लेस प्लेस पे है और कौन सा ग्रेटर प्लेस पे, उसकी हमने ये प्लेस वैल्यू लिख दी है. सो हियर ये भी 4 डिजिट नंबर के साथ आपने सिंपल जो है उसके अंदर साइन लगाने, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना. ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया, आप इसको देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो हियर यहाँ पे 4-5 डिजिट का कॉन्सेप्ट है नंबर्स का. तो इसमें हमने देखना है कि हमें जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है ये क्वेश्चन. सो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये सारा मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े नंबर से छोटे नंबर, ये मैंने सॉल्व कर दिया. यू कैन प्रैक्टिस बाई योर सेल्फ, राइट. ओके ना देन वी मूव टू पेज नंबर 21. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट हियर अबाउट नंबर लाइन. नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है ये कि एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं जिसके दोनों साइड पे एरोज़ होते हैं, नंबर लाइन के जो एरोज़ होते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे एरोज़ होते हैं. इसका मतलब होता है कि ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, अब दोनों तरफ बढ़ सकती है. और तो सो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन लाइन, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है. इसको ये देख सकते हैं, ये पहला है 15 को आपने शो करना है. तो ये नंबर लाइन है, दोनों तरफ एरोज़ हैं आप देख सकते हैं, और ये 15 यहाँ पे आ रहा है नंबर लाइन पे. इस तरह से ये 21 है, 21 को हमने शो किया, ये 0 से शुरू होके और ये 21 तक उसको नंबर लाइन पर शो किया, दोनों साइड पे एरोज़. ये 11 है, 11 का कौन सा, ठीक है. इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था पेज नंबर 21 पे. तो ये आइडेंटिफाई द नंबर्स शोन बाय एन एरो ऑन द गिवन नंबर लाइन, ठीक है. ये एक दी गई है, रेड एरोज़ दिए गए हैं, वहाँ पे आपने जो नंबर जो आ रहे हैं उस प्लेस पे आपने वो सर्कल करने हैं, शो करने हैं उनको. ये 15, 30 मैंने उसको सर्कल कर दिया, राइट. सो देन यहाँ पे आप है स्किप का जो कॉन्सेप्ट है, स्किप का मतलब होता है कि आपने जंप करना है, राइट. तो स्किप काउंटिंग मतलब जितने अभी कहा गया है कि इतना नंबर्स के लिए आपने जंप करना है, आपने यहाँ पे 2s का कहा गया है कि 2 टाइम्स जंप करना है आपने. 2500 है से लेके 2510 तक आपने लिखना है, तो 2 टाइम्स जंप करना है. 2500
दिया गया 2502 आ जाएगा, 2504 2504 आ जाएगा, 2506, दो नंबर्स का फ़र्क डाल के आपने इसको फिल कर देना। ये सब में इस तरह से है, 7644, 7644, 7646, 7648, 768, ये क्या है, 50 एंड 7652 एंड 7654, 2-2 नंबर्स का फ़र्क है, जंप करना है आपने, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो स्किप काउंटिंग इन थ्रीज, ये थ्रीज का फ़र्क है, इसको थ्रीज के साथ आपने, तो ये देखें, ये पहले एग्जांपल सॉल्व की हुई है, 6230 के बाद 6233, 6236, 6239, तो इसके लिए काउंटिंग आपको अच्छे तरीके से काउंटिंग आती होगी तो फिर आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने सॉल्व कर दिया है, यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ। इसी तरह से नंबर पेज नंबर 23 एंड स्किप काउंटिंग है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे फोर्स है, पहले हम टू और थ्री का देखा है, यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट है, फोर नंबर के साथ डिफरेंस के साथ आपने नंबर्स लिखते जाना, तो ये भी आप प्रैक्टिस करें, तो ये सॉल्व कर दिया मैंने सारा, यू कैन चेक योर सेल्फ, राइट। सो हियर स्किप काउंटिंग फिर आ गई, यहाँ पे है फाइव का, फाइव नंबर के साथ फाइव का फ़र्क है, राइट, ये भी आप देख सकते हैं। नाउ वी मूव टू, यहाँ पे स्किप काउंटिंग है, ठीक है, इन 10,000s, यहाँ पे आपने देखना है कि नंबर स्किप काउंटिंग है, 15, ये 10,000 के साथ स्किप करना था, तो ये इसको स्किप काउंटिंग 10,000s, यूनिट 10,000 है, ठीक है, 15,000 है ना, ये 16,000 हो जाएगा, ये 17,000, 18,000 और ये 19,000, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपने 10,000 प्लेस के साथ जो एक एक हज़ार का डिफरेंस डाल देना, राइट। सो ये स्किप काउंटिंग टेंस में है, ठीक है, तो ये 10-10 का फ़र्क डालना है, 6820 है तो 6830 आ जाएगा, 6840, 6850, 6860, ठीक है, ये भी सॉल्व कर दिया। सिमिलरली ये भी टेंस का फ़र्क है, ये हंड्रेड्स का फ़र्क है, यहाँ पे 100 का डिफरेंस डालना है आपने, ठीक है, राइट, यहाँ पे आपने 1000 का डिफरेंस डालना, राइट, ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्किपिंग काउंटिंग, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।